नमस्कार दोस्तों, 39 दिसंबर 1972 रात को 9:20 पे एस्ट्रॉन एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क के जोन कैनेडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये फ्लाइट फ्लोरिडा जा रहा है। इसमें 163 पैसेंजर बैठे हुए हैं और 13 क्रू मेंबर्स है। इस फ्लाइट को उड़ा रहे हैं 55 वर्षीय बॉब लेफ्ट, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है, और दूसरी तरफ है को पायलट के तौर पर 45 वर्षीय एस्टोक एस्टील, जो कि ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस है। प्लेन में सब कुछ सही चल रहा है। इस प्लेन को उड़ते हुए 2 घंटे हो जाते हैं और मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रात को 11:30 पे ये प्लेन ATC से लैंड करने की परमिशंस लेता है। ATC इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं, लेकिन जब को पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करता है तो लैंडिंग गियर नहीं खुलता है, क्योंकि जब भी लैंडिंग गियर खुलता है तो इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है पायलट को। बिना लैंडिंग गियर खुले ये प्लेन लैंड नहीं हो सकता था, क्योंकि बिना लैंडिंग गियर खुले कोई भी प्लेन लैंड नहीं करता है। इसके बारे में तुरंत पायलट ने ATC से संपर्क किया। ATC ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जिससे ATC को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पायलट ने 2000 फीट की ऊंचाई पे प्लेन को वापस ले गया। उसको पायलट मोड को ऑन करने के बाद ये प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। कुछ ही सेकेंड में बहुत नीचे आ चुका था, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे पायलट भी घबरा गए उसके बाद से, क्योंकि ग्रीन लाइट जो है इंडिकेटर है नहीं जल रहा था। तो पायलट को लग गया था जो इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो लैंडिंग गियर नहीं खुला है। कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। तब तक वो प्लेन काफ़ी नीचे आ चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था, और प्लेन जाकर रनवे पे क्रैश हो गया। इस घटना में 101 लोग मारे जाते हैं और 75 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से 67 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर थे। इस घटना के बाद से बहुत सारी थ्योरी सामने निकल कर आती है, जिससे काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ, क्या रीज़न था, क्या वजह था जिसके कारण ये प्लेन क्रैश हो गया, इसको जानने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 में आपको पूरा वीडियोस मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है। इसलिए आपको पार्ट 2 में पूरा हिस्ट्री देखने को मिलेगी किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका सोल्यूशन हमारी टीम की तरफ से तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी शेयर कर सकते हो, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।